हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल ऑफ शादी का अफ्तर। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने कंप्यूटर को बोलना सिखा सकते हैं। क्या हम अपने कंप्यूटर को बोलना सिखा सकते हैं? हाँ दोस्तों, ये जो सवाल अभी आपके माइंड में उठा है ये सच है। आप कुछ ऐसे कोड जिसे हम VBA स्क्रिप्ट को यूज़ करके नोटपैड में, आपको कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ कंपाइलर जिसे कंपाइलर हम कहते हैं, कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपाइल करने के लिए, रन करने के लिए कोई भी कंपाइलर नहीं चाहिए, ये नोटपैड से काम करेगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये वेरी इजी, इट्स अ वेरी इजी टास्क। वेन एवर यू विल ओपन योर कंप्यूटर, जब भी आप अपना कंप्यूटर को ओपन करेंगे, आपका कंप्यूटर आपका स्वागत करेगा, आपका नाम लेके, जैसे मेरा नाम सादिक है तो बोलेगा वेलकम सादिक, वेलकम टू योर लाइफ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं उसकी तरफ। तो दोस्तों, ये है मेरा चैनल और इसमें आप, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, अब हम एक वेबसाइट का सिर्फ उसके रेलिवेंसी के लिए, ताकि मैं पॉइंट वाइज बोलते रहूँ, इसीलिए मैं उसका रेफरेंस ले रहा हूँ। तो ये हम एक वेबसाइट पर जाते हैं, तो थैंक यू ओवर स्मार्ट, उन्होंने मुझे इसका रेफरेंस लेने के लिए इजाज़त दी। तो इसमें एक टाइटल है जिसका एक पोस्ट हुआ है कि मेक योर कंप्यूटर स्पीक यूजिंग VBA स्क्रिप्ट विद फुल डिस्क्रिप्शन। तो चलिए इसी में चलते हैं, ताकि हम पॉइंट से भटके नहीं। चलिए, ब्लॉग खुल रहा है, इसमें स्टेप वाइज भी है और ये बताते भी जाते हैं क्या क्या करना है। तो ये देखिए, VBA स्क्रिप्ट हमें यूज़ करना है आज। जो अब सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, अच्छा भाई तुम तो बोल रहे हो VBA स्क्रिप्ट से करना है, तो ये VBA स्क्रिप्ट होता क्या है? तो भाई सुन लो, VBS का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक, ठीक है। VBS किसके लिए स्टैंड करता है, VB किसके लिए स्टैंड करता है, विजुअल बेसिक, और S स्टैंड करता है स्क्रिप्ट के लिए, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट। तो कभी भी कोई आपसे पूछेगा तू विजुअल स्क्रिप्ट सीखा है, तो आप घबराइएगा मत, इसे ही VBS स्क्रिप्ट शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। ये विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया और ये लाइट वर्जन है किसका, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक का, ठीक है। ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये लाइट वर्जन है किसका, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक का, ठीक है दोस्तों। ये होता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए, जो विजुअल बेसिक का VBA स्क्रिप्ट होता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है दोस्तों। तो हमें अभी उस लफड़े में नहीं पढ़ना है, हमें देखना है सिंपली कैसे अपने कंप्यूटर को बोलना सिखाया जाता है। तो चलिए, अब हम चलते हैं स्टेप टू मेक योर कंप्यूटर स्पीक। तो चलिए, पहला स्टेप इसने कहा है कि फर्स्ट स्टेप हम फॉलो करते हैं, फर्स्ट ओपन नोटपैड इन योर कंप्यूटर। चलिए भैया खोल लेते हैं, आप लोग भी अपने कंप्यूटर में नोटपैड खोल लीजिए और ये आप करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं, वरना मैं बता दूंगा आप भूल जाइए, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मेरे साथ आप भी करते रहिए। तो चलिए, मेरा नोटपैड खुल चुका है, अच्छा ठीक है। फिर बोलता है देन कॉपी द फॉलोइंग कोड, ओके मैं ये कॉपी कोड, मुझे एक तो कोड याद है, फिर भी चलिए लेट होगा, इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ध्यान से कॉपी कीजिएगा दोस्तों, मैंने इसे कॉपी किया और अपने नोटपैड में पेस्ट कर दिया। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे जो डबल इनवर्टेड कॉमा है, क्योंकि ये टेक्स्ट में लिखा हुआ है इसीलिए ये उल्टा हो सकता है, इसलिए आप एक बार इसको मिटा के बैक स्पेस करके अपने से डबल इनवर्टेड कॉमा डाल दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसका बात का ध्यान रखिएगा, वरना रन नहीं करेगा, क्योंकि इसमें ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये तीसरा क्या बोल रहा है, यहाँ पे तीसरा देख लीजिए, ये बोल रहा है देन सेव योर फाइल विद .vbs एक्सटेंशन। तो चलिए, मैंने इसे कंट्रोल प्रोसेस लगाया, ये सेव होने के लिए तैयार है और ये सेव होने लगा। तो चलिए, मैं इसका नाम दे देता हूँ, कुछ भी नाम दे दे, SAV, ओके नहीं रखते हैं .vbs, ओके मैंने इसे अपने .vbs से सेव कर लिया। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ बता रहे हैं कि रिमेंबर, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, रिमेंबर सेविंग द फाइल विद .vbs के लिए ओनली मेक दिस फाइल रन। तो हमें .vbs से सेव करना ही करना है, इसलिए भूलिएगा मत, ऐसा नहीं कि आप बोले भाई यार कहाँ वर्क कर रहा है, .vbs से सेव नहीं किया होगा आपने। तो चलिए, मैंने .vbs से सेव कर दिया। अब सबसे पहले आगे स्टेप जाने से पहले, ये डायरेक्ट आप बोल रहे हैं कि स्टार्टअप फाइल में हमको एक कॉपी करना पड़ेगा, ताकि जब भी आप कंप्यूटर को बूट करें, मतलब रिस्टार्ट करें या स्टार्ट करें, तो कंप्यूटर आपका नाम ले। लेकिन हम इससे पहले कोड चेक कर लेते हैं, क्या कोड हमारा वर्क कर रहा है, ओके दोस्तों। एक चीज़ और, हमारा यहाँ पे जब हम कोड को देखते हैं जो हमने पेस्ट किया है, यहाँ पर लिखा हुआ योर टेक्स्ट है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमें वो टेक्स्ट लिखना है ना जो हम चाहते हैं कि मेरा कंप्यूटर हमें बोले, तो हम यहाँ पर लिखते हैं चलिए वेलकम सादिक ही लिखते हैं चलिए। और एक चीज़ आपने ध्यान देता होगा कि ये मैंने अपने वर्ड्स के बीच में इतना सारा स्पेस क्यों छोड़ा, तो मैं अभी बताता हूँ क्यों। पहले लिख लेता हूँ वेलकम सादिक टू योर कंप्यूटर, और फिर चलिए लिख देते हैं हैव ए नाइस डे, ओके दोस्तों, ठीक है। अब ये बताता हूँ क्यों मैंने इतना स्पेस छोड़ा। असल में मैंने स्पेस इसलिए छोड़ा क्योंकि कंप्यूटर को मालूम नहीं है, वो इंसान नहीं है कि उसे लगे कि दूसरे, हम जो बोल रहे हैं दूसरे वाले को समझ में आना चाहिए। इसलिए अगर हम एक एक स्पेस के बाद सब वर्ड लिखें तो ऐसे बोल देगा वेलकम सादिक टू योर कंप्यूटर हैव अ नाइस डे, हमको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए हम स्पेस छोड़े ताकि वो अच्छा से बोले वेलकम सादिक टू योर कंप्यूटर हैव अ नाइस डे, ठीक है दोस्तों। अब इसे हम एक बार सेव कर लेते हैं, यहाँ पर हमने सेव कर लिया। अब चलिए एक बार पहले रन करके देख लेते हैं, ये रहा हमारा साइड वाला फाइल, अब हम इसे ओपन करते हैं। Welcome Sadik to your computer. Have a nice day. Oh wow, दोस्तों ये ने वर्क कर लिया।
देखा दोस्तों, ये बहुत ही आसान है, आप भी इसे लाइव करके देख सकते हैं दोस्तों। अब हमें क्या करना है, ये जो स्टेप आप नेक्स्ट बोल रहा है, ये नेक्स्ट स्टेप बोल रहा है कि नाउ कॉपी दिस फाइल। कॉपी करके हमें कहाँ जाना है, स्टार्टअप में जाना है। स्टार्टअप ऑप्शन आपका अगर विंडोज 7 यूज़ करें तो यहाँ स्टार्ट बार में देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मिल जाता है। तो सबसे पहले हम इस फाइल को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, जहाँ पर आपने इसे सेव किया। तो चलिए हम इसे कॉपी कर लिए, और कहाँ हमको जाना है, स्टार्टअप में जाना है। ऑल प्रोग्राम्स में जाइएगा आप, ठीक है, ये विंडोज 7 का मैं बात कर रहा हूँ। आप उसके बाद स्टार्टअप को सर्च कीजिएगा, आप स्टार्टअप वहाँ पे सर्च कीजिएगा, आपको स्टार्टअप मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, मुझे स्टार्टअप मिल गया। अब मैं स्टार्टअप में क्या करूँगा, इसे एक्सपैंड करूँगा। ये देखिए ये हो गया, ओपन कर लेता हूँ मैं इसे। मैंने इसे ओपन कर लिया, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल प्लस वी कर, देखिए यहाँ पे मेरा पेस्ट हो गया। अब जब भी मैं अपने कंप्यूटर को ऑन करूँगा, जब भी इसे या तो रिस्टार्ट करूँगा या ऑन करूँगा, ये जब भी ऑन होगा तो ये मुझे क्या बोलेगा, वेलकम साबित, हैव अ नाइस डे। दोस्तों कितना अच्छा लगेगा, जिसे नहीं आता है आप उसके सामने ये खोलेगा तो वो बोलेगा भाई तू तो क्या क्या नहीं है, तू तो सब आता है। तो दोस्तों ये अच्छे ट्रिक है इंप्रेशन जमाने के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ पर मैं लाने वाला हूँ कि आपका कुछ ऐसा बॉक्स खुलेगा, जैसे मेरे यहाँ पे मैंने एक फाइल बना के रखा है कंप्यूटर स्पीक, ये देखिए, या यहाँ पे ये बोलेगा कि एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, उसमें बोलेगा कुछ भी वर्ड डाल लो, और वो वर्ड वो बोलेगा। जैसे मैंने हेलो टाइप किया, अब मैं ओके दबाऊंगा, हेलो, देखिए उसने वो वर्ड कहा, ठीक है। तो ये भी आप डाल सकते हैं कि अलाइव, आप उसमें टाइप कीजिए, ओके दबाइए, वो आपका नाम बोलेगा। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आने वाले दोस्तों, तो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल ऑफ सादिक अख्तर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।